हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं रिलेटिविटी के अगले टॉपिक को, जो कि है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये हमारा रिलेटिविटी का लेक्चर 2 है। अगर आपने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है अभी तक, तो टेक्निकल फिजिक्स यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। वहां पे आपको हमारा इसका जो बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन जो हमने रिलेटिविटी का दिया था, जिसमें हमने समझा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हमारे पास नॉलेज है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल क्या होता है। रिव्यू फिर भी दे देता हूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया, या हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो ये लॉ है, ये वैलिड रहता है। और भी फिजिक्स के जो बेसिक लॉ हैं, वो इस इनर्शियल फ्रेम में हमेशा वैलिड रहते हैं। दूसरा, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, हमेशा याद रखना है आपको कि जिन फ्रेम्स में, जिनके मोशन में हमेशा एक्सलरेशन अगर जनरेट कहीं पर हो रहा है, तो एक्सलरेटेड फ्रेम हमेशा क्या कहलाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, इसका एग्जाम्पल है अर्थ। जितनी भी रोटेटिंग बॉडीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं एक्सिस पे या सन के अराउंड, उन सब में क्या है, एक्सेलरेशन होता है। तो जितने भी रोटेटिंग बॉडीज होंगी, उनको हमें रखना है नॉन इनर्शियल की कैटेगरी में। और हमने ये भी बताया था आपको कि जितने भी हम अपने डेरिवेशंस को करेंगे हम रिलेटिविटी को समझने के लिए, उन सब में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी को करेंगे। तो सही, इसको समझते हैं, चलिए देख लीजिए। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये टर्म पहले समझ लेना है। गैलीलियन जो थे, ये एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम क्या समझेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो रेफरेंस फ्रेम यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, जिनको मैं नाम दे देता हूं कि इसका नाम है एस फ्रेम और इस वाले फ्रेम को नाम दे देते हैं एस डैश फ्रेम। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर हम कंसिडर कर ले रहे हैं, एक का नाम है एस, एक का नाम है एस डैश। तो इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि जो हमारे कंसिडरेशन हैं वो क्या क्या है। तो याद रखना है कि हमेशा रिलेटिविटी में जितने भी हम आगे डेरिवेशंस करेंगे, उन सब में कुछ इसी तरीके के कंसिडरेशन चलने वाले हैं। तो इन कंसिडरेशन को ध्यान से समझ लीजिए। तो हमने यहां पर सबसे पहली चीज जो कंसिडर करी है, वो करिए एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको हमने मान रखा है क्या, स्टेशनरी। स्टेशनरी मींस कि हम मान के चल रहे हैं कि जो ये पहला फ्रेम है जिसको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है, ये कैसा फ्रेम होगा, ये रुका हुआ फ्रेम है, रेस्ट का फ्रेम है, जिसकी वेलोसिटी भी जीरो मान लेते हैं। दूसरा जो फ्रेम मैंने मान रखा है, इसको नाम दिया है एस डैश फ्रेम। तो इसको हमेशा याद रखना है आपको कि ये नॉन स्टेशनरी है। नॉन स्टेशनरी का मीनिंग है कि ये मोशन में है। इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये मोशन में है और वी वेलोसिटी के साथ। और एक चीज और हम इसमें कंसिडर करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन में है। तो दूसरा जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो हमारा लेक्चर 1 जरूर ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको समझ में ये सारे लेक्चर्स आने लगे। तो ये एक फ्रेम जिसमें हमने 3 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक्स वाई और जेड, और दूसरा फ्रेम जिसके एक्सेस हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो इस फ्रेम की वेलोसिटी हमने मान ली है कि ये वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, जबकि एस वाला फ्रेम क्या मान लिया है कि ये रुका हुआ है, रेस्ट उसमें मोशन में है, या कह सकते हैं कि स्टेशनरी, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है एस। एस मीन्स स्टेशनरी और एस डैश मीन्स जो कि इसका अपोजिट है, दैट मीन्स नॉट स्टेशनरी, या कह सकते हैं कि जो कि मोशन में है। तीसरी चीज जो हमने मानी है, वी जो माना है, ये हमने एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान रखी है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि ये वी वेलोसिटी कैसी है, जो फ्रेम सेकेंड वाला है जो हमारा मोशन में, वो कैसा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ फ्रेम है। इसमें हम मानेंगे ओ और ओ डैश। ओ और ओ डैश को हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, पहला ऑब्जर्वर, ये दूसरा ऑब्जर्वर।
ओ और ओ डैश, आप देख रहे होंगे कि दो जो रेफरेंस फ्रेम हम ले रहे हैं इसमें सारी चीजें विदाउट डैश हैं और इधर वाले फ्रेम में हमने डैश के साथ ली हैं। तो ये है क्या, ये है पहला फ्रेम जिसको हमने नाम दिया है एस फ्रेम और ये है दूसरा फ्रेम जिसको हमने नाम दिया है एस डैश फ्रेम। तो अब यहां पर हम समझेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती क्या है। तो यहां पर डेफिनेशन मैंने इसीलिए पहले ही लिख दी आपको ताकि आसान हो लिखने के लिए भी आपको। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जो रिलेट करती हैं किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को जो कि दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट करते हों। तो यहां पर ये दो मैंने फ्रेम बनाए, ये कैसे फ्रेम है, ये दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। इनर्शियल का मींस या तो वो रेस्ट में होगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इसीलिए हमने यहां पर जो वेलोसिटी वी मानी है वो क्या मान रखी है, कांस्टेंट है। तो मान ले रखे हैं तो एस और एस डैश और ओ और ओ डैश मान लेते हैं यहां पर कि ये एक कोई ऑब्जर्वर इस तरीके से जो ऊपर है एक ऑब्जर्वर जो ओ डैश पे मान लेते हैं। ऑब्जर्वर किसे कहेंगे, जो किसी भी इवेंट किसी भी घटना को होते हुए देखता है ऑब्जर्व करता है उसको ऑब्जर्वर कहेंगे। तो कोई इवेंट मान लेते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास पी पॉइंट है जहां पर कोई इवेंट हो रही है और ये इवेंट मान लेते हैं कि यहां से कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है मिशन मंगल, इस समय मूवी भी रिलीज हुई है तो मान लेते हैं कि यहां पर एक कोई रॉकेट लॉन्चिंग का एक प्लेस है जहां से रॉकेट लॉन्च होगा, यहां पर ये लॉन्च होने की इवेंट होने वाली है। अब इस इवेंट को जब ओ ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको क्या उसके कंसिडरेशंस होंगे, क्या उसके ऑब्जर्वेशंस होंगे। इसी रॉकेट लॉन्चिंग को अगर ओ डैश देखेगा मोशन के साथ तो क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को निकालना, इनके कोऑर्डिनेट्स को निकालना कहलाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दो डिफरेंस फ्रेम में, एक फ्रेम हमारा कैसा है, यहां पर रुका हुआ फ्रेम है, रेस्ट का फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम है। दूसरा फ्रेम कैसा है, मोशन के साथ जो है फ्रेम वी वेलोसिटी के साथ जो चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है उस फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा। तो जो ये डिस्टेंस है पी ओ वाले ऑब्जर्वर से इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है एक्स। तो याद रखना है कि x हमने क्या कंसिडर किया है, यहां पर मैं लिख लेता हूं उसको, यहां लिख देता हूं कि o जो है हमारा s और s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर है और x और x डैश क्या है ये फिगर से ही इसको समझ लेते हैं। कंसिडरेशन को मैं यहां, आप लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बट मैं ऐसे समझा देता हूं आपको कि x क्या है, इस o से लेकर के p तक की दूरी, इस फ्रेम से ये जो वर्टिकल एक्सिस वाई बना रखी इससे कहीं से भी इस पी पॉइंट की दूरी को अगर हम नापेंगे तो ये कैसी दूरी मान ली हमने, एक्स डिस्टेंस मान ली। और मान लेते हैं कि ये जो फ्रेम है दूसरा जो ओ डैश ऑब्जर्वर वाला फ्रेम है ये कहीं से चलना शुरू किया, तो मान लेते हैं कि ये पहले यहीं से चलना शुरू किया। तो ये सारे कंसिडरेशन हैं जो हम मान रहे हैं, जो हम कंसिडर कर रहे हैं इसलिए ताकि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अचीव कर सकें। तो ये जो इक्वेशन है इसको मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है, ये ध्यान देना है हमें, x डैश है। पहले हमने यहां पर दूरी जो o से मानी थी p तक की डिस्टेंस ये मान ली हमने x और जो o डैश वाली जो वर्टिकल लाइन है यहां से हमने p तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली है, x डैश। क्योंकि ये वाला जो ओ डैश ऑब्जर्वर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये यहीं से मोशन में रहा होगा तो वी वेलोसिटी के साथ टी टाइम तक अगर ये चलता है तो इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये टी टाइम के बाद यहां पर चला होगा। दोनों के पास एक चीज और भी मान लेते हैं कि दोनों के पास सेम क्लॉक थी जिसमें मान लेते हैं कि 8 बजा हुआ था। ये ऑब्जर्वर भी जब यहां पर था तो ये ऑब्जर्वर इसमें जो टाइम हो चुका है वो हम मान लेते हैं कि इसमें टी टाइम के बाद टी टाइम वो चल चुका है जब ये यहां से चला था। तो इस ओ डैश वाले ऑब्जर्वर के पास में जो घड़ी है वो दोनों सेम थी, सेम टाइमिंग शो कर रही थी, इसमें भी 8 बज रहा था इसमें भी 8 बज रहा था और टी टाइम तक वो चली। टी टाइम मान लें अगर 1 घंटा चली 2 घंटा ये फ्रेम वाली चला तो उस टी टाइम के बाद ये कहां पहुंच गया है, इस पोजिशन पे पहुंच गया है और ये पोजीशन वी वेलोसिटी से चलने पर कितनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ही ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एच डैश वाला फ्रेम है अगर वो इस जगह से चलना शुरू किया होगा तो टी टाइम में वो वी वेलोसिटी के साथ इतनी दूरी तय कर लेगा। जहां तक वो दूरी तय कर चुका है उसके आगे क्या है एक्स डैश डिस्टेंस, जो पी पॉइंट का जो इवेंट पॉइंट है, जो रॉकेट लॉन्चिंग हमने इवेंट मान रखा है, वो वहां तक का यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ। तो अब बात करेंगे हम लोग गैलियम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को निकालें कैसे। तो याद रखना है, हमने से पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो हमारी रिलेटिविटी होती है हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, अगर देखा जाए तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू बताई जाती है, जिसमें हम किसी भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिनोट करते हैं, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में, जो हमने यहाँ फिगर में शो भी किया है। और टी जो है टाइम, जो स्पेस या टाइम की हम लोग बात करते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम एक यहाँ पर कह सकते हैं टोटल चार कोऑर्डिनेट है जिनकी इक्वेशंस को हम यहां पर ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो यहां पर जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी वो चार इक्वेशन है टोटल कह सकते हैं, और वो चार इक्वेशन चार कोऑर्डिनेट के टर्म्स में होंगी। तो हमारा जो एम है इस फिगर से भी हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर फॉर एस डैश फ्रेम, जब भी हम डैश की बात करेंगे, डैश का मतलब होगा, हमेशा याद रखेंगे डैश का मतलब होगा मोशन के साथ, जो वी वेलोसिटी के साथ जो चल रहा है फ्रेम उसके लिए बात की जाएगी। तो उस ऑब्जर्वर का नाम है ओ डैश। तो ओ डैश ऑब्जर्वर के टर्म्स में जो यहाँ पे वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, तो वो एक्स डैश होगा, वाई डैश होगा, जेड डैश होगा और पी डैश होगा। तो यही चार इक्वेशन को निकालना इस फिगर के थ्रू ही बताया था गैलियन ने अपनी थ्योरी में, और यही थ्योरी ये बताती थी कि किसी एक फ्रेम से देखने पर कोई चीज जैसी दिखती है उसी को दूसरे फ्रेम से, ये पी सेम वही चीज है जिसको ओ भी देख रहा है और ओ डैश भी देख रहा है, तो इस पी को देखने पर कैसे ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे हैं, तो हमने इन चार कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इसको निकालना है। ये चार इक्वेशंस ही हमारी कहलाएंगी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वो इक्वेशन है जो किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिलेट करती है, ऐसे कोऑर्डिनेट जो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में निकाले जा रहे हैं। याद रखना है कि हम इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एस्ट्रोफिजिक्स या हम कह सकते हैं कि जनरल जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहां के लिए रखते हैं। ये हमारा जो स्टडी हो रही है गैलियन की जो स्टडी है, गैलियन ने सबसे स्टार्टिंग में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उस टाइम पर जो न्यूटन्स के लॉ थे वही सही माने जाते थे और उस टाइम तक लाइट की हाई स्पीड की बात भी नहीं की गई थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जितनी बात यहां पर मैंने लिखी हुई है तो ये जो दोनों लाइनें हैं यहां पर, ये दोनों लाइनें तभी वैलिड होंगी जब जो मोशन होगा लाइट के कंपैरेटिवली बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, यानी कि जो हम लोगों की स्पीड से हम चलते हैं, ट्रेन चलती है, बस चलती है, ये जो चलना है इनका जो वी वेलोसिटी होगी चलते समय की वो सन की लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। तो इसलिए उस कंडीशन में ही ये गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वैलिड रहती हैं। ये बात जो हम कह रहे हैं ये कैसे कहते हैं, क्योंकि आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें गैलियन की थ्योरी वैलिड नहीं रहती, ये हम आगे बात करेंगे किस तरीके से वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि शॉर्ट कमिंग्स हैं ये, इसकी जो कमियां हैं गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की, यही कारण है कि इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया था हायर वेलोसिटीज के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि वो इक्वेशंस हैं क्या गैलियन की जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमें मिलेंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये चेंज करना, बदल देना, पहले क्या थी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले यानी कि ओ ऑब्जर्वर के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी कि ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए। तो हम निकाल रहे हैं अभी ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए, तो एक्स डैश फिगर से भी हम देख सकते हैं एक्स डैश की वैल्यू जो होगी क्या पता लग रही है, ये डिस्टेंस एक्स माइनस VT डिस्टेंस, अगर इसमें से इस डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा x डैश। तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस VT, ये याद रखना है। yz, y को रखेंगे सेम ऐसे ही y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z।
ऐसा क्यों रखेंगे? तो याद रखना है, हमने स्टार्टिंग में ही कंसिडरेशन क्या लिया हुआ है कि दिस एस डैश फ्रेम इज मूविंग ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, देयर इज नो मोशन अलोंग द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये बात बहुत ध्यान से याद रखनी है आपको कि वाई और जेड के अलोंग कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर रहेगी, ये भी 1 किलोमीटर रहेगी। यहां पर क्या कोई वर्टिकली हम देख रहे हैं कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा है। केवल चेंज क्या है? पी में, कि यह पहले ओ डैश यहां पर था तो कुछ और डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस थी, वो चलता हुआ यहां पर आ गया तो एक्स डैश हो गई, ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा तो एक्स डबल डैश। मान लेते हैं कोई डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस एक्स एक्सिस की डिस्टेंस चेंज होगी बट वाई और जेड में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसका रीजन हम यहां पे लिख सकते हैं, बिकॉज नो मोशन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, एक्स के अलोंग चेंज क्यों आ रहा है? फिगर से भी दिख रहा है, एक्स माइनस वीटी। वाई और जेड में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई भी मोशन नहीं है वाई और जेड के अलोंग, तो कोई चेंज उसका होगा ही नहीं। अब टी डैश इक्वल टू टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा सा लिख दिया जाता है। केवल इतना लिख दिया जाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में यह माना गया था कि जो टाइम होता है वो टी जो है वो टी डैश के बराबर होगा, मींस टाइम पहले का और बाद में बराबर रहता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो कंफ्यूजन कर सकता है आपको। तो टी डैश इक्वल टू टी हम क्यों लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी जनरली आप देख लीजिए यूट्यूब पे या कहीं भी अदर वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो सकता है कि ना मिले। तो इसको ध्यान से समझते हैं कि टी और टी डैश का मतलब, जो हमने यहां पर बात करी थी घड़ी को कंसिडर करने की कि दोनों के पास एक वॉच है सेम टाइम है, वो यहां पर अब काम आएगा समझते हैं। तो ये माना गया कि जब भी लो वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो इसने जो घड़ी पहनी है उसने भी उसी कंपनी की सेम घड़ी पहन रखी है, दोनों की घड़ियां बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही हैं 8 बजे दोनों ने। मान लेते हैं कि ये भी चला नहीं है, तो अगर ये ऐसा होता तो ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर मान लेते हैं कि ओवरलैप कंडीशन में है, जिस समय इसकी घड़ी में 8 बज रहा है दूसरे फ्रेम की घड़ी में भी 8 बज रहा है। अब ये वाला फ्रेम जब चलना शुरू हुआ, चलते चलते वो यहां पहुंच गया, जब वो यहां पहुंचा तो इसकी घड़ी में 9 बज रहा था, तो उसी टाइम पे इसके पास जो घड़ी थी तो उसमें भी कितना बज रहा होगा? 9 ही बज रहा होगा। मींस घड़ी का, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग जो है सेम हो रही, स्पीड सेम है, तो इस कंडीशन के थ्रू, ये क्लासिकल थ्योरी है कह सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स यानी कि ओल्ड फिजिक्स की थ्योरी है। ये थ्योरी ओल्ड या क्लासिकल क्यों कही जाती है? क्योंकि यहां पर हम हाई स्पीड पार्टिकल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लाइट या फोटोन जैसे पार्टिकल, या उसकी स्पीड को अप्रोच करने वाले ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, सैटेलाइट की बात करें, रॉकेट की बात करें, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। केवल हम ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जो वी वेलोसिटी है बहुत ही लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में कम है। तो उस केस में क्या होगा? दोनों की घड़ी में सेम टाइम होगा। अब यहां पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये 10 बजे का टाइम है, मान लेते हैं कि ये 10 बजे कोई रॉकेट लॉन्चिंग होनी है 10 AM पर। तो 10 AM अगर इसकी घड़ी 8 बजे यहां पे थी, ये भी दोनों 8 बजे से थी, तो जब कितनी भी दूरी ये चला जाएगा, तो अगर इसका टाइम 10 AM है तो इसकी घड़ी में भी 10 AM ही हो रहा होगा, और इसकी घड़ी में भी सेम 10 AM ही हो रहा होगा जब यहां पर रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। तो यही एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि गैलिलियन थ्योरी के अनुसार टाइम कभी भी नहीं बदलता है। मींस ओ ऑब्जर्वर के लिए भी सेम टाइम रहेगा टी, और ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए भी सेम टाइम रहेगा टी या टी डैश। टी डैश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फ्रेम को हम लिख रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। तो ये 4 इक्वेशंस आपको याद रखनी है, इन्हीं 4 इक्वेशंस को कहा जाता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये किसके लिए है? ये ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए हमने निकाली। अब सिमिलरली इसी इक्वेशन को हम दूसरे के लिए निकालेंगे ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता लग जाए। तो हम फ्रॉम फिगर नाउ इसको मैं इधर लिख देता हूं, तो फ्रॉम फिगर फॉर एस फ्रेम। अब हम दूसरे फ्रेम की बात कर रहे हैं, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें
ओ ऑब्जर्वर है। तो ओ ऑब्जर्वर के लिए यही क्वेश्चंस क्या होंगी, अभी हम निकाल चुके हैं जो इक्वेशन, वो क्या निकाल चुके हैं उसको भी लिख देते हैं। हम अभी निकाल चुके हैं ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए या एस डैश फ्रेम के लिए एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। ये इक्वेशन हम जो निकाल चुके हैं इन्हीं की अब हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है ट्रांसफॉर्मेशन वाली। मीन्स ये इक्वेशन थी जो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में थी, अब हम निकालने जा रहे हैं इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इक्वेशंस क्या होंगी, यही चार इक्वेशन क्या होंगी वो देख लेते हैं। तो फिगर से अगर इसको देखें, जो वैल्यू एक्स डैश थी ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए, वो ओ के लिए कितनी है एक्स, यानी कि हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। सिमिलरली हमें वाई निकालना है, सिमिलरली हमें जेड निकालना है, सिमिलरली हमें टी निकालना है। तो इन चारों इक्वेशंस को अगर हम इस फिगर से ही देख लें यहां पर, या कहें कि ये इसकी इनवर्स इक्वेशन है, हमेशा याद रखना है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की इनवर्स इक्वेशंस हम जब भी निकालते हैं तो इन्हीं की अपोजिट यहां लिख देते हैं। इसको निकालने के लिए दो स्टेप है, या फिगर से भी निकाल सकते हैं कि जहां पर डैश दिया हुआ है वहां हम डैश हटा देते हैं, जहां डैश नहीं लगा हुआ है वहां हम डैश लगा देते हैं। दूसरा स्टेप है कि जहां भी वेलोसिटी दी होगी उस वेलोसिटी को हम माइनस वी कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है कि यहां पर जैसे हम मान के चल रहे हैं कि दोनों यहां पर थे, अब ये ओ डैश वाला चलना शुरू हुआ इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ओ डैश वाला ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो रहा है, तो ओ डैश को क्या लग रहा है कि मैं चल नहीं रहा हूं लेकिन मुझसे ओ वाला दूर जा रहा है, ऐसा उसको लगेगा ड्यू टू रिलेटिविटी। उसको जब ऐसा लगेगा तो ये हम कह सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में v था तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस v, इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो v होता है उसको हम माइनस v कंसीडर करते हैं। ये एक डायरेक्ट स्टेप है समझने के लिए, इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, देखो x डैश प्लस वी टी, यही तो पता लगा इसके अनुसार, लेकिन हम जब इसको यहां से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो t और t डैश क्योंकि बराबर है तो t कहें या t डैश कहें, तो इसको लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू होगी यहां पर x डैश है तो ये x हो जाएगी, x की जगह यहां पर x डैश माइनस v प्लस v हो जाएगा, ये ध्यान देना है, और t जो है हमारा वो t डैश, यहां पर t भी लिखा जा सकता है, t डैश भी लिखा जा सकता है, पर प्रॉपर की अगर बात करें इनवर्स इक्वेशंस की बात करें इनको कहा जाता है गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब y की जो बात करेंगे तो ये y डैश, z की जो बात करेंगे z डैश, और t की जो बात करेंगे t डैश। ऐसा क्यों होगा, तो सिमिलरली इसमें भी बिकॉज देयर इज नो मोशन अलोंग y एंड z एक्सिस, तो y और z एक्सिस वो जीरो है, उस डायरेक्शन में हमारा मोशन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें y डैश z डैश कह सकते हैं, तो इसलिए हमने जो इसकी वैल्यू ली है वो दोनों की दोनों इक्वल, जैसा रिप्रेजेंट y में होगा जो चीज वैसी y डैश के लिए भी होगी। तो ये इक्वेशंस हमारी कहलाती हैं, याद रखना है आपको, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की इनवर्स इक्वेशन, और ये इक्वेशंस कहलाती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चंस केवल इतना भी आ सकता है, राइट डाउन दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो आपको ये 4 इक्वेशन लिख के आनी है। अगर आता है राइट डाउन दी इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो आपको ये इक्वेशंस लिख करके आनी होगी। ये इक्वेशंस हैं क्या, फिर से मैं बता देता हूं, ये इक्वेशन है कि ओ ऑब्जर्वर जब देख रहा है इन चारों कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, तो उस पार्टिकल के, उस इवेंट के जहां से रॉकेट लॉन्च हो रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स ये नजर आ रहे हैं, किसको, ओ को। लेकिन वहीं पर जब ओ डैश देखता है उसी इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को, एक्स डायरेक्शन उसको चेंज दिखाई दे रही है, वाई जेड टी बाकी सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस का यूज करके बेनिफिट क्या है हमको, ये इक्वेशन हम जो पढ़ रहे हैं फायदा क्या है, तो इससे हम जो न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें, लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के जितने भी लॉ है या बेसिक फिजिक्स के लॉ है, उनको हम वेरीफाइड कर सकते हैं। जो एफ इक्वल टू एम ई का लॉ आपने पढ़ा होगा, वो सारे लॉ के जो डेरिवेशन से हम कह सकते हैं कि वो सेम रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान।
कुछ चीजें ऐसे भी हम अभी देखेंगे अपने अगले ही पार्ट में, इसको चेक करते हैं डेरिवेशन को और देखते हैं कि कुछ चीजें होंगी जैसे वेलोसिटी है वो बदल जाती है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, मींस वेलोसिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले होती है वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बदल जाती है, जबकि जो एक्सेलरेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी जैसा एक्सेलरेशन मिलता है ओ डैश ऑब्जर्वर को या ओ ऑब्जर्वर को वैसा ही दूसरे ऑब्जर्वर को भी मिलता है। तो एक्सेलरेशन हम क्या देखते हैं गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वो कांस्टेंट रहता है, कुछ चीजें होती हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बदल जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूं, जहां पर भी हम लो स्पीड की बात करते हैं जैसे हम कहें कि कोई फुटबॉल है, ये कोई फुटबॉल है रखी हुई है या यहां पर कोई फुटबॉल रखी हुई है, तो ओ से देखने पर फुटबॉल का साइज होगा कुछ ना कुछ, तो साइज वैसे तो रिलेटिव है लेकिन लो मोशन की जब भी हम बात करेंगे तो जैसी फुटबॉल इसको दिखेगी वैसी फुटबॉल इसको भी दिख रही होगी, भले डिस्टेंस उसकी चेंज होगी लेकिन साइज चेंज नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये गैलीलियन रिलेटिविटी है, लेकिन जब हम इसी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थी उससे जब हम देखते हैं तो इसका जो साइज जो राउंड दिख रहा है ये ओवल शेप दिखने लगता है। एक और एग्जांपल दे देता हूं कि कोई रॉड है इस तरीके से रखी हुई, 10 मीटर की कोई रॉड है, तो ओ से देखने पे वो 10 मीटर अगर दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि ओ डैश से देखने पे वो 10 मीटर ही होगी, हो सकता है उसकी लेंथ ज्यादा भी हो सकती है। तो ये केवल चेंज है जो आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेंथ में साइज में, ये केवल और केवल किसमें होगा जब हाई स्पीड वेलोसिटी की हम बात करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन की है उस पे जो बात करें। गैलीलियन थ्योरी के अनुसार चीजें जो है ये कांस्टेंट रहती हैं, साइज हो गया मास हो गया एक्सेलरेशन हो गया ये सारी चीजें हमेशा क्या रहती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कांस्टेंट रहती हैं, बदलती नहीं है। तो हम अपने अगले ही लेक्चर में इनको चेक भी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो वेरिएंट हैं, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इनवेरिएंट है, इस पर एक दो नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस लेक्चर के साथ आप बने रहिए, इसका अगला लेक्चर जल्दी में आप लोगों को पूरा करता हूं और उसमें हम चेक भी करेंगे कि जो न्यूटन का लॉ है वो कैसे इनवेरिएंट रहता है और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हम समझें, एक्सेलरेशन का अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करके देखें तो कैसे समझेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा तो लेक्चर जो ये वाला चल रहा है और इसके अगले वाला दोनों को मिला करके आपको डेरिवेशन पूरा करना होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर के लास्ट में क्विज मैं आप लोगों से पूछूंगा, उस क्विज के आंसर अगर आपको मालूम है या आपने बेसिक लेक्चर से पुराना वाला देखा तो आप उसको आंसर को दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।